नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज यूनियन बैंक के रिजल्ट आए और मैंने आपसे कहा है कि रिजल्ट तो देखा करो और उसके देखने के मैंने आपको तरीके भी बताए हैं। यूट्यूब पे जाके देख लो, मेरी आप टेलीग्राम चैनल देख लो, वहां पर पीडीएफ पड़ी होती है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फोन करके पूछ लो, क्या कहने साहब। तो दोस्तों, जब भी कोई रिजल्ट आता है तो आफ्टर रिजल्ट मैनेजमेंट क्या कहता है उसकी कमेंट्री सुना करो। साहब क्या शानदार जानदार कमेंट्री करी है इस बार यूनियन बैंक की एमडी और सीईओ ने। साहब सैल्यूट है उनको, सैल्यूट है। इस तरह के एमडी सीईओ का बयान आ जाए ना तो दिल खुश हो जाता, तार तार हो जाता है। क्या कहने साहब, बैंक को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। और यही जज्बा होना चाहिए, यही स्पीड होनी चाहिए दोस्तों सरकारी बैंकों के लिए। अभी 7 जून को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नाम इनका ए मैनेकलाई ऐसी कुछ है, साउथ की थोड़ा सा मेरे ख्याल से नाम है, इस वजह से मैं ले नहीं पा रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आप देख रही हो तो। साहब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैल्यूट है आपको साहब, आपके जज्बे को, आपकी स्पीड को सलाम है। और ऐसे में आपका अगर आपके पास यूनियन बैंक है तो क्या कहने साहब, होल्ड करके रखो। पिछली कई वीडियो मैंने इस पे बना रखी है यूनियन बैंक और मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक पर। कुछ कायाकल्प होने वाला है इन बैंकों में, कायाकल्प। रखो साहब, अगर आपके पास है तो रखो, क्या दिक्कत है बेचने की। 36-37 रुपए में यूनियन बैंक क्या बुरा है यार, रख लो, थोड़े से ले लो, 1000 ले लो, ज्यादा नहीं लो, 1000 ले लो। अब देखो इनमें समय सुधरने में, इनके जो सुधरने की हालात सुधरने में, थोड़ा सा बड़ा बनने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही हो जाएगा, कितनी सारी दिक्कत परेशानी चल रही है वर्ल्ड में। सब शुरुआत हुई थी अच्छाई की, सब कोरोना आ गया, फिर सब आगे बढ़े, कोरोना खत्म हुआ, रशिया यूक्रेन का मैटर आ गया, इन्फ्लेशन चाप ऊपर चली गई। तो दिक्कत पर ऐसे चैलेंजिंग भरे माहौल में दोस्तों थोड़ा समय लगता है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको सरकारी बैंकों को आपको होल्ड करके रखना। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास अभी बहुत कम समय बचा है, कुछ ना कुछ बड़े इंप्लीमेंट्स करने पड़ेंगे सरकार को 2023 तक। इन चीजों को ध्यान में रखिए। चलिए देखिए, कमेंट्री सुनिए। यूनियन बैंक की जो एमडी सीईओ है उन्होंने कहा है कि साहब बैंक की तरक्की में, बैंक की उन्नति में और बैंक को तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक बनाने में हम कोई साहब कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए कोई बैंक भी अधिग्रहण करना पड़ा ना वो भी करेंगे साहब, प्राइवेट हो सरकारी हो, जो भी बैंक मिल जाएगा, जिसको भी अधिग्रहण करना पड़ेगा करेंगे। क्या सलाम, यानी कि सलाम है साहब, क्या इतना बड़ा बयान दिया है। तो इनके बयान का मतलब यह निकलता है दोस्तों कि बैंक की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जी जान से प्रयास किए जाएंगे। अब उसके लिए बैंकों का अधिग्रहण, कासा रेशियो का सुधार, कहां पर लोन देना है एमएसएमई को, एग्रीकल्चर को, किस तरह डिपॉजिट कैसे बढ़ाई जाए, जितने भी बैंक के काम होते हैं, मतलब एक बैंक को अगर आप तीसरे नंबर पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी काम की जरूरत होगी वो साहब ये करेंगे। इसीलिए ये मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है सुना करो, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उनके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहे हैं उन्होंने जो इनकी एमडी सीईओ है। बहुत मायने निकलते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ इन सरकारी बैंकों में चल जरूर रहा है। बड़े बैंक बनाने की कार्यवाही चल रही है, अच्छे बैंक बनाने की कार्यवाही चल रही है, शक्ति आ जाएगी इनके अंदर साहब, ये किसी का भी एक्वायर कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, किसी भी बैंक को एक्वायर कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी मिले। तो इन चीजों को दोस्तों समझना चाहिए। आपके पास स्टॉक है इनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि ऐसे समय में अगर आप इसको बेच देते हैं और पता चला अभी कुछ दिन बाद सरकार अगर कोई घोषणा कर देंगी तो आपको कोई मेरे ख्याल से पछताना ना पड़े आपका, कि आपको ये ना हो जाए कि हाँ यार मेरे पे यूनियन बैंक था और मैंने उसको बेच दिया। तो जहां आपने इतने दिन होल्ड कराया तो इसको होल्ड भी होल्ड करके रखिए, बहुत अच्छे और मेरे ख्याल से आपको इसके रिटर्न देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली मेरा तो यही सुझाव आपके पास है, रिजल्ट शानदार है यूनियन बैंक के, और आपके लिए मेरा सुझाव यही है दोस्तों कि इस बैंक को आप होल्ड करके रखिए, हर डिप पे थोड़े थोड़े स्टॉक इसको एक्युमुलेशन के द्वारा बाय करिए। तो एमडी और सीईओ जो है इनकी साहब, उन्होंने एक पॉजिटिव बयान दिया है बैंक को लेकर और बैंक की प्रोग्रेस क्रिप को लेकर, यानी कि प्रोग्रेस अच्छी रह सकती है इन फ्यूचर। बैंक के जो भी कदम उठाए जाएंगे, बैंक की प्रोग्रेस के लिए जो भी कदम उठाएंगे वो साहब हमारी जो एमडी सीईओ है उस दिशा में वो काम करेंगी। सैल्यूट है साहब उनको एक बार फिर। तो आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली, नमस्कार।